हुकूमत की जानिब से कराची में पाकिस्तान की पहली मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली जदीद इलेक्ट्रिक बसों का आगाज कर दिया गया है। इस नई माहौल दोस्त बस सर्विस का आगाज पीर को पार्क टावर से सीवीओ साहिल तक टेस्ट ड्राइव करके किया गया। बस सर्विस मुसाफिरों के लिए बाकायदा आगाज अगले 10 रोज में करने का ऐलान किया गया है। बसें किन रूट्स पर चलेगी इसका फैसला भी जल्द कर दिया जाएगा। कोशिश होगी कि इन बसों को इन रूट्स पर चलाया जाए जहां ट्रैफिक का रश कम हो। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक 50 इलेक्ट्रिक बसों की खेप से इस सर्विस का आगाज किया गया है। जल्द ही इन बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। इन बसों की चार्जिंग के लिए यूपी मोड़ पर डप्पू में 2 इलेक्ट्रिक चार्जिंग मशीनें लगाई गई हैं। बस सिर्फ 20 मिनट में चार्ज होकर 240 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। बस में 32 सीटें हैं जिनमें 2 सीटें माजूर अफराद के लिए होंगी। हर बस में कुल 90 अफराद सफर कर सकेंगे। बसों में कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। यूरोपीय मेयार की इन बसों की लंबाई 12 मीटर है। सूबाई वजीर सईद गनी ने बताया कि इन बसों की चार्जिंग के लिए सोलर सिस्टम नस्ब किया गया है ताकि बिजली पर कम से कम इन्हिसार किया जाए। ट्रांसपोर्ट की बुनियादी सहूलतों से महरूम कराची जैसे शहर के लिए ऐसी बसें किसी नेमत से कम नहीं, मगर सवाल ये है कि शहर की टूटी फूटी और बदहाल सड़कों पर ऐसी बसें कितनी पायदार साबित होगी। क्या ये जरूरी नहीं था कि पहले कराची की सड़कों की मेयारी तर्ज पर तामीर और मरम्मत की जाती और फिर इन बेलनक्वामी बसों को सड़कों पर लाया जाता। बहरहाल कराची के लोगों के लिए सिंध हुकूमत का ये इकदाम काबिल तारीफ जरूर है।